नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इज़मेक और मैं हूँ राजीव। और आज के वीडियो में जिक्सर पार्ट 3 का वीडियो है। ये वीडियो में हम लोग जिक्सर का जो क्लच असेंबली है उसे फुल्ली डिसअसेंबल करेंगे। आपको हर एक यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि कैसे आपको क्लच प्लेट और क्लच हब, क्लच प्राइमरी ड्राइव को निकालना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप उसे रीइंस्टॉल कर सकते हैं। क्लच प्लेट्स का जो यहाँ पर ऑर्डर होता है, किसके बाद कौन सा प्लेट लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर राइट साइड वाला आपको केस रिमूव कर लेना है। इसके लिए आपको ऑयल फिल्टर को भी रिमूव करना होगा क्योंकि उसके अंदर में एक बोल्ट रहता है। तो राइट साइड में जितना भी 8mm का बोल्ट्स है, दोनों बोल्ट्स ऐसा है जो सिलेंडर के ठीक नीचे बैठता है, वो दोनों बोल्ट्स के अलावा बाकी सारे 8mm का बोल्ट्स अगर आप निकाल लेंगे, इंक्लूडिंग ऑयल फिल्टर के अंदर वाला बोल्ट, तो आप केस को रिमूव कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लच के ऊपर पांचों 8mm का बोल्ट्स है। अभी ये बोल्ट्स अगर आप हाथ से घुमाना की कोशिश करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि क्लच का फुल ऐसे ही यहाँ पर रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए आप इसे हाथ से पकड़ के खोल सकते हैं या फिर यहाँ पर कोई लेदर का पार्ट लगा सकते हैं ये दोनों गियर्स के अंदर, और ये लॉक हो जाएगा। तभी आप ये दो पाँच जो 8mm का बोल्ट्स है उसे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ और जल्दी से इसे हम निकाल लेते हैं। और इसके अंदर हर एक बोल्ट के नीचे एक वॉशर होता है और उसके नीचे एक छोटा सा स्प्रिंग होता है। तो पांचों बोल्ट्स, वॉशर और स्प्रिंग के साथ पूरा क्लच प्लेट्स का जो ऐसे है वो निकल आएगा। अभी आपको क्लच जो बॉस होता है उसे खोलने के लिए आपको यहाँ पर एक कूलर की ज़रूरत है। ये कूलर मार्केट में अवेलेबल है, 150 रुपीज़ के आसपास प्राइस पड़ेगा। तो हर एक बाइक के लिए ये डिफरेंट हो सकता है, पर यहाँ पर पल्सर, हीरो का, स्प्लेंडर, ये सारे बाइक्स का एक ही है जिक्सर के साथ। तो ये कूलर आप ले सकते हैं और इसे लगाने के बाद आपको अंदर से एक 17mm का बोल्ट मिलेगा, 17 या फिर 19 होगा, मुझे पता नहीं ठीक से। और उसे निकालने के बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे ही ठीक दोनों वॉशर्स लगे होते हैं और क्लच हब और प्राइमरी ड्राइव के अंदर आपको एक और बड़ा सा वॉशर दिखेगा। अभी हम प्राइमरी गियर को निकल चुके हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर एक बुश रहता है। ये बुश निकलने के बाद लास्ट में एक वॉशर बचा है और वो वॉशर निकलने के साथ ही सारा चीज़ यहाँ पर निकल आता है। अभी यहाँ पर रीअसेंबल करने की बारी है, तो हम पहले वॉशर को लगा लेंगे। तो ये वॉशर का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से आप लगा सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको बुश को लगा लेना है, किसी भी डायरेक्शन से इसे लगा सकते हैं। लगाने के वक्त आपको थोड़ा सा इंजन ऑयल दे देना है बस। अभी इसके ऊपर से हम प्राइमरी ड्राइव को लगा लेंगे। तो प्राइमरी ड्राइव लगाने के वक्त आप देख लेंगे कि इसके अंदर कोई प्ले है कि नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इसे चेक करते हैं प्राइमरी गियर को या फिर क्लच प्लेट्स की कंडीशन को, कि आपको सच में इसे चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, तो आप जाके आई बटन में क्लिक करके, अभी आपको एक पॉपअप आ रहा होगा आई बटन में, वो बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैं डिटेल्ड आपको ट्यूटोरियल दे रखा हूँ कि कैसे आपको क्लच प्लेट्स और प्राइमरी गियर को चेक करना है और आप उसे रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं वॉशर लगा लूँगा और उसके ऊपर मैं क्लच हब को लगा लूँगा, उसके ऊपर दोनों वॉशर्स। ये लास्ट वाला जो वॉशर है वो एक साइड से फुला हुआ है, तो फुला हुआ साइड आपको बाहर की तरफ रखना है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर 19mm का जो नट है उसे लगा लूँगा और फिर से वही पुराने वाले तरीके से यहाँ पर कूलर को लगाना है। कूलर के बगैर आप यहाँ से टाइट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर इम्पैक्ट रेंच की ज़रूरत पड़ेगी, पर अगर आपके पास इम्पैक्ट रेंच नहीं है तो आपको कूलर खरीदना ही होगा। और कोई यहाँ पर चारा आपके पास नहीं है, आप कोई पुराना क्लच प्लेट यानी कि स्टील प्लेट जो होता है वो पुराना प्लेट से आप एक कस्टम कूलर बना सकते हैं, जैसे कि मैं FZ के लिए और SZR के लिए एक बना रखा था। पर यहाँ पर जिक्सर का जो काम हो रहा है वो वहाँ पर मेरे पास स्पेयर प्लेट्स नहीं था, तो यहाँ पर मैं एक कूलर यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। अभी ये प्लेट्स जो होता है न्यू लगाने के वक्त आपको सारे प्लेट्स को, ज़्यादातर जो फ्रिक्शन प्लेट होते हैं वो प्लेट्स को आपको एक इंजन ऑयल के ऊपर भिगो के रखना है लगभग 1 से 2 घंटा।
उसके बाद ही आप इसे इंस्टॉल कीजिए। आप डायरेक्ट पैकेट से निकल के इसे नहीं करिए, क्योंकि इससे ये डैमेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 प्लेट्स हैं, पांचों फ्रिक्शन प्लेट के अंदर जो चारों गैप्स होते हैं वो चारों गैप्स में आपको चारों यहाँ पर स्टील प्लेट लगाना है। अभी ये स्टील प्लेट का दो डायरेक्शन होता है, एक साइड इसका स्मूथ है और एक साइड आप देख सकते हैं इसका बहुत ही शार्प वाला साइड है। अगर हाथ में लेंगे आप तो दिखेगा आपको, तो ये शार्प वाला साइड आपको बाहर की तरफ यानी कि आपके तरफ फेस करते हुए लगाना है। अभी इसका ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, आपको पहले जो है फ्रिक्शन प्लेट लगाना है और ऐसे करके ऑल्टरनेटिवली लगाना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि फ्रिक्शन प्लेट से ये ख़त्म होगा। टोटल 9 प्लेट्स दी गई है, और ऐसे करके आप इसके ऊपर ये लगा ले, और पांचों जो यहाँ पर 8 mm का बोल्ट है ये बोल्ट्स को आप हाथ से टाइट कीजिए। लगाने के वक्त अब यहाँ पर कोई लॉक यानी कि जैसे कि खोलने के वक्त मैं यहाँ पर एक रबर का लॉक यूज़ किया था, लगाने के वक्त आपको ऐसा कोई यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बोल्ट जो है ये बहुत ही इनफेमस है इसका थ्रेड डैमेज होने के लिए, तो ये जल्दी से डैमेज हो जाएगा। अभी लगाने के वक्त आपका ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है जिससे क्लच एक्टिवेट होता है, सॉरी एंगेज और डिसएंगेज होता है, उसे लगाने के वक्त आपको लेफ्ट साइड में टीथ को रखना है और उसके ऊपर से कवर जल्दी से बैठ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप सारे बोल्ट जो होता है 8 mm का वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड।